डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सीरीज नंबर फाइव में देखते हैं, व्यापारी रनर तैयार करने के बाद किस चीज को तैयार करते हैं। तो पहले हम प्रोसीजर देख ले रहे हैं। सबसे पहले हम रनर बनाते हैं, नंबर पर हम खाता वही बनाते हैं, तीसरे नंबर पर तलपट बनाते हैं, चौथे नंबर पर हम अंतिम खाते तैयार करते हैं और पांचवे नंबर पर निष्कर्ष में अनुपात विश्लेषण। इस प्रकार से हमारा प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यापारी द्वारा जर्नल तैयार करने के बाद किस चीज को तैयार किया जाता है। तो व्यापारी के द्वारा जर्नल तैयार करने के बाद खाता वही यानी लेजर तैयार किया जाता है। इसके बाद खाता वही की गणितीय शुद्धता की जांच किस प्रपत्र में तैयार की जाती है। खाता वही की गणितीय शुद्धता की जांच तलपट तलपट में ट्रायल बैलेंस तलपट में गणितीय शुद्धता है। जो भी हम खाता ही बना रहे हैं खातों का हम टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस निकाले उन बैलेंस के आधार पर हम तलपट तैयार करते हैं। तो हम बैलेंस के आधार पर ही तलपट तैयार करते हैं। तो खाता बही की गलती शुद्धता की जांच भी तलपट होती है। वर्ष के अंत में जो माल विक्रय होने से रह जाता है उसे क्या कहते हैं। वर्ष के अंत में जो भी माल विक्रय होने से रह जाएगा तो उसे हम अंतिम रहतिया क्या बोलेंगे, अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक। वर्ष के अंत में जो माल विक्रय से रह जाता है उस चीज को अंतिम रहतिया के नाम से यानी क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। व्यापारी खाता बही के बाद कौन सा प्रपत्र तैयार करता है। तो ये कह सकते हैं व्यापारी खाता बही आपको बताया था सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल, जर्नल के बाद बनाएंगे लेजर, लेजर के बाद बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बनाएंगे फाइनल अकाउंट के बाद रेशियो एनालिसिस। ये हमारा प्रोसीजर है अकाउंटिंग का। खाता बही में पूरे प्रश्न में कितने खाने बनाए जाते हैं। तो लेजर में जो खाने बनाए जाते हैं वो एक कॉलम बनाए जाते हैं, आठ खानों के नाम कौन कौन से हैं ये भी समझ ले रहे हैं। तो सबसे पहले कॉलम का नाम है डेट, दूसरे कॉलम का नाम है पर्टिकुलर, तीसरे कॉलम का नाम है सीएल, चौथे कॉलम का नाम है अमाउंट डेबिट, तो पांचवे का भी यही नाम है, छठवे का है, सातवे का है, आठवे का अमाउंट डेबिट। चार कॉलम डेबिट के होते हैं, चार कॉलम क्रेडिट के होते हैं।
डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट डेबिट डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट क्रेडिट। इस प्रकार से आठ कॉलम्स की खाता बही बनाई है। जिस बही में समस्त खाते खोले जाते हैं उसे हम खाता बही कहते हैं। व्यक्तिगत खाते का धनी से क्या बताता है? तो व्यक्तिगत खाते जो भी व्यक्तिगत खाता है उसका धनी से देय राशि बताता है। कि हमें ये राशि से देगी जीरो अमाउंट। That is called line entry. तो ड्यू अमाउंट बताता है कि हमारी इतनी राशि ड्यू है जो हमें पेमेंट करनी है। जब किसी खाते के धनी पक्ष की राशि ऋणी पक्ष की राशि से अधिक होती है तो उस खाते के शेष को हम क्या कहते हैं? जब भी किसी खाते की धनी पक्ष की राशि ऋणी पक्ष की राशि से अधिक होती है तो उसको हम धनी से यानी क्रेडिट कर लेते हैं। इस तरीके से क्रेडिट कर लेना। आप भरोसा कैसे? जैसे हमारा भरोसा है ये डेबिट है ये क्रेडिट है ये डी आर साइड है ये सी आर साइड है। अब अगर मानो कौन सा दिन ज्यादा है जब किसी धनी पक्ष यानी ये वाला है 10,000 इस वाले साइड हमें और डेबिट वाला काम है यहाँ है 2,000 तो ये 8,000 बचे यहाँ 8,000 बचे तो ये आ गया बैलेंस बाय बैलेंस टू बैलेंस। तो टू बैलेंस आएगा ये सीआर से सीआर साइड आ जाएगा ये सीआर बैलेंस हो जाएगा यानी क्रेडिट। इसी प्रकार से जब किसी खाते की ऋणी पक्ष की राशि धनी पक्ष की राशि से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? वो भी ऐसे ही है। ये हमारा अकाउंट है राम अकाउंट है राम अकाउंट है तो राम का टीआर का शेष अधिक है यानी हमने बोले उन्होंने सीरियल किया टू सेल्स अकाउंट और राम दिया टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हमने किए 15,000 उन्होंने हमें बाय कैश करके 5,000 का पेमेंट कर दिया तो 15,000 में से 5,000 कटा देंगे तो हमारा जो आएगा डेबिट बैलेंस आएगा बाय बैलेंस 10,000। इस प्रकार से समझेंगे जब किसी खाते का ऋणी पक्ष का योग ज्यादा हुआ धनी पक्ष से तो ये डेबिट से कहता है यानी डेबिट कहता है। ये कहा जाएगा डेबिट पे। इस प्रकार से आज हमने नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 कंप्लीट किया है से आप समझें या आपके लिए इस प्रकार के एमसीक्यू जो हमेशा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आए।